हेलो दोस्तों, मैं हूं सुमित चौहान और स्वागत है आपका द न्यूज़ वीक की इस खास पेशकश में। अभिनेता अक्षय कुमार की फिल्म सम्राट पृथ्वीराज सुपर फ्लॉप हुई है। इस फिल्म ने दम तोड़ दिया और 300 करोड़ में जो फिल्म बनी थी वो 50 करोड़ रुपए कमाते कमाते हाफ गई और अब ये कहा जा रहा है कि ये 100 करोड़ का जो क्लब है उसमें भी शामिल नहीं हो पाएगी, यानी कि जितनी इसकी लागत थी वो भी उसका 50% भी ये फिल्म नहीं कमा पाएगी। अक्षय कुमार की जो फिल्म आई थी उसका बुरा हाल हो गया है और आप देखें तो जो तमाम लोग हैं वो इस फिल्म का जो दुष्प्रचार करना चाह रहे थे कि ये हिंदू सम्राट हैं, ये मोहम्मद गौरी को मार देंगे और मुग़लों से जो उन्होंने अत्याचार किया उसका फिल्म के ज़रिए बदला लेंगे, तो इस दुष्प्रचार से लोग बचे और वो इस फिल्म को देखने के लिए नहीं गए। तो फिल्म का फ्लॉप होना ये बताता है कि भारत के जो लोग हैं वो शायद अब ये समझने लगे हैं कि किस तरह से इन फिल्मों के ज़रिए, ऐसे ऐसे अभिनेताओं के ज़रिए प्रोपेगेंडा किया जाता है, लोगों को नफरत का शिकार बनाया जाता है और उनकी जेब से पैसा भी निकलवाया जाता है, उनके दिमाग में, उनके दिल में जहर भरा जाता है, उससे लोग बचे और इस फिल्म को नहीं देखने गए। इस फिल्म के पहले ही दिन बहुत कम कमाई हुई, करीब 10-12 करोड़ कमाई, अगले दिन तो और बुरा हाल हुआ, तीसरा चौथा दिन आते आते फिल्म ने एकदम दम तोड़ दिया। और ये हालत जब है जब इसके खिलाफ कोई बड़ी फिल्म स्क्रीन्स पर नहीं रिलीज हुई है, अभी सिर्फ एक भूल भुलैया फिल्म है वो चल रही है, जबकि वो उसको काफ़ी दिन हो गए हैं, तीसरा चौथा हफ्ता उसका रिलीज का हो गया है, कोई बड़ी फिल्म इसके मुकाबले में नहीं है। एकदम कहें कि ओपन सब कुछ था, ओपन तरीके से लड़ाई थी जिसमें कोई मजबूत विरोधी नहीं था, लेकिन उसके बावजूद अक्षय कुमार की ये फिल्म हाफ गई, एकदम बुरी तरह से पिट गई और कहते हैं सुपर फ्लॉप होना, वो इस फिल्म के जरिए हमको देखने को मिला। अक्षय कुमार की भी भद पिट गई, उनकी एक्टिंग को देख के तमाम लोगों ने सवाल उठाए थे कि ये किस आदमी को पकड़ लिया जो सम्राट पृथ्वीराज का किरदार कर रहे हैं, बहुत बुरे लग रहे हैं, बहुत बुरे एक्सप्रेशंस, बहुत बुरी एक्टिंग और एकदम कहें कि बुरा हाल था फिल्म का, लोग इसको देखने नहीं पहुंचे। फिल्म का पिट जाना ये एक संदेश देता है कि यदि सत्ता के जो चाटुकार लोग हैं वो इस तरह का काम करते हैं तो जनता उन्हें सबक सिखा सकती है। इस फिल्म के प्रमोशन के लिए सरकार ने खुद जिम्मा संभाला, सरकार के जो मंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह खुद फिल्म देखने गए, प्रचार कर रहे थे, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ अपनी पूरी कैबिनेट के साथ फिल्म देखने पहुंच गए और तमाम जो इनके नेता हैं वो इसका प्रचार कर रहे थे, हिंदू साम्राज्य के विज्ञापन दिए जा रहे थे, लेकिन लोग फिल्म को देखने नहीं पहुंचे। जिस तरह से कश्मीर फाइल के नाम पर माहौल बनाकर करोड़ों करोड़ों रुपए कमा लिए गए और वो जो फिल्म निर्माता थे वो मौज कर रहे हैं, विदेशों में घूम रहे हैं, जबकि अभी कश्मीर में जो हालात हैं वो सबके सामने जग जाहिर है कि किस तरह से वहां अभी भी उनका पलायन जारी है और जो उन्होंने पैसा कमाया उससे उन लोगों की कोई मदद नहीं हुई, कोई उनके लिए कुछ इन्होंने काम नहीं किया, अपना पैसा कमाया, सरकार से फायदा उठाया, लोगों की जेब खाली करी और फिर अपना टूर कर रहे हैं। अब ये लोग समझने लगे हैं कि जो चाटुकार इस तरह की बातें करेंगे उनके खिलाफ जनता इस तरह का काम कर सकती है। मैं इस फिल्म के फ्लॉप होने को इस तरह से भी देखता हूं कि खासकर जो बहुजन आबादी है वो अब ये बात समझ रही है कि ऐसे लोगों के लिए उन्हें अपना पैसा खर्च नहीं करना है, अपना समय बर्बाद नहीं करना है, ऐसे लोगों के लिए अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई ज़ाया नहीं करनी है। और मैंने ये अपील की थी, तमाम लोग इस बारे में लिख रहे थे कि ऐसी प्रोपेगेंडा फिल्म का शिकार ना हो, उसको देखने के लिए पैसे खर्च ना करें, जिस पैसे से आप टिकट खरीदना चाह रहे थे उससे आपको इतिहास की किताब खरीद लीजिए और इतिहास को खुद पढ़िए, इनके नरेशन से मत पढ़िए, क्योंकि ये तमाम झूठ परोसने के लिए, सत्ता को सुख पहुंचाने के लिए, उसका प्रोपेगेंडा करने के लिए, ये माहौल बनाने के लिए कि किस तरह से मुग़ल जो हैं वो आक्रांता थे और फिर उनके वंशज जो मुसलमान हैं वो हमारे दुश्मन हैं, ये जो प्रोपेगेंडा इस तरह की फिल्मों के ज़रिए किया गया, कश्मीर फाइल में भी ये हुआ और अब ये सम्राट पृथ्वीराज की फिल्म में भी इस तरह का काम करने की कोशिश की गई, लेकिन लोग समझे, खासकर दलित बहुजन समाज इस बात को समझा और वो फिल्मों को नहीं गए, जबकि बीजेपी शासित राज्य इस फिल्म को टैक्स फ्री कर चुके हैं, यूपी में, उत्तराखंड में, एमपी में, तमाम बीजेपी शासित राज्यों में फिल्म को टैक्स फ्री किया जा चुका है, यानी टिकट आपकी फ्री, मतलब आधी आधी कॉस्ट आ गई है, उसमें काफ़ी सारा जो लग्जरी जीएसटी लगता है वो हट गया है, 28% कम हो गया, उसके बावजूद लोग देखने नहीं जा रहे हैं,
आपका पैसा भी कम जा रहा है, टिकट भी सस्ती है, तब भी लोग फिल्म को देखने नहीं जा रहे हैं। ये बताता है कि किस तरह से अक्षय कुमार जैसे जो चाटुकार लोग हैं, कंगना रनौत जैसे जो चाटुकार लोग हैं, उनको अब जनता पहचान रही है और उनको सत्ता की दलाली का सबक सिखा रही है और अपना पैसा बचा रही है। समझदार ऑडियंस हो गई है, खासकर जो इंटरनेट के ज़माने में OTT जो प्लेटफॉर्म आया या यूट्यूब या जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स आए, तो हमें दुनिया भर का अच्छा कंटेंट मिलने लगा। हमारे लोग अब दुनिया भर के अच्छी फिल्में, वेब सीरीज, डॉक्यूमेंट्रीज, मॉक्यूमेंट्रीज, ये तमाम चीज़ें देख रही हैं। लेकिन इनके अब ये जो एक ढर्रे पे चलता रहता था कि कोई सिंघानिया, ओबरॉय, शर्मा, चतुर्वेदी, ये कोई हीरो बनेगा और हमारे लोगों को बहुत बुरा किरदार दिखाएंगे, लगान फिल्म के कचरे की तरह हमारे लोगों को दिखाएंगे और हमारे जो पीड़ित लोग होंगे उनको आर्टिकल 15 की तरह कोई सवर्ण नायक आकर बचाएगा, हमारे लोग ऐसे ही जो है वो दुख सहते रहेंगे, ऐसे लोगों को अब जवाब मिलने लगा है और अब उनकी फिल्में फ्लॉप हो रही हैं एक के बाद एक के बाद। रनवे 34 अजय देवगन की जो फिल्म है वो सुपर फ्लॉप हुई। कंगना रनौत की धाकड़, जो कि सत्ता की सबसे बड़ी चाटुकार के तौर पर उभरी, उनकी फिल्म कोई देखने नहीं गया। अक्षय कुमार की बच्चन पांडे आई थी, वो बुरी तरह फ्लॉप हो गई, कोई देखने के लिए नहीं गया। अब अक्षय कुमार की सम्राट पृथ्वीराज, ये जो फिल्म है सुपर फ्लॉप हुई है। और आने वाले दिनों में लाल सिंह चड्ढा जो आमिर खान की आएगी, वो भी आप देख लीजिएगा, चलेगी नहीं, क्योंकि फॉरेस्ट गंप जो शानदार फिल्म है हॉलीवुड की, उसको उन्होंने कॉपी किया है और उस फिल्म में उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से जो नस्लवाद है, जो भ्रष्टाचार है, जो उस देश की समस्याएं हैं अमेरिका की, उनको भी उठाया था। लेकिन आप देखेंगे तो जब वो लाल सिंह चड्ढा आएगी तो उसमें पता चलेगा कि उन्होंने जातिवाद या फिर जो बाजारवाद है, जो ब्राह्मणवाद है, उसके बारे में उन्होंने कोई चर्चा नहीं की होगी। वो तो उसको हैप्पी एंडिंग बना के जो है उस फिल्म की कॉपी करके दिखाने की कोशिश होगी। तो लोग अब ये समझ रहे हैं और जो हमारे लोग हैं वो किस तरह से सामने आ रहे हैं आप देखें। दक्षिण से जबरदस्त फिल्में आ रही हैं, कर्णन ले लीजिए आप, असुरन ले लीजिए, सरपट्टा परम्बई ले लीजिए, काला ले लीजिए, कबाली ले लीजिए, इतनी शानदार फिल्में आ रही हैं, हज़ारों करोड़ का बिजनेस कर रही हैं, लोग उनको देख रहे हैं दुनिया भर में, और जबकि अक्षय कुमार की फिल्म को लोग देखने नहीं जा रहे। और इस समय उसको 4000 से ज़्यादा स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया दुनिया भर में और इतने मतलब स्क्रीन उसको मिले हैं, उनको लग रहा था कि सारा पैसा कमा लेंगे, 1000 करोड़ अमृत से कमा लेंगे। लेकिन उसके निर्माताओं को ये समझ में नहीं आया कि इस व्यक्ति को जिसको उन्होंने रोल दिया, जो कहानी को उन्होंने हिंदू ट्विस्ट देके उसका एक एंटी मुगल, एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स के साथ उसको खेलने की और हिंदुत्व के फोल्ड में जाकर सरकार के साथ मिलकर उसका प्रचार करने की कोशिश हुई, लोग अब समझ रहे हैं, समझदार हो गए, इस फिल्म को देखने नहीं जा रहे हैं। आप अलग अलग सिनेमाघरों में जाके देखिए उनकी ये स्क्रीन पर जो तस्वीरें, आप वो देखिए, टिकट खाली पड़ी हुई हैं, चाहे दिल्ली हो, चंडीगढ़ हो, नोएडा हो, तमाम जगह पर आप देखेंगे तो सिनेमाघरों में कोई इस फिल्म को देखने नहीं जा रहा। दो दो चार चार टिकटें जो हैं वो बुक की जा रही हैं और लोग जो हैं वो नहीं पहुंच रहे, तो सिनेमा मालिक परेशान हैं और शो ही रद्द करने पर अब वो आ गए कि अब इस फिल्म को ही जो है वो सिनेमा घरों से उतार लिया जाए क्योंकि कोई देखने तो आ नहीं रहा। तो अब इन लोगों को ये समझ लेना चाहिए कि आपका कूड़ा नहीं चलेगा, आपको अच्छा कंटेंट देना पड़ेगा, ओरिजिनल कंटेंट देना पड़ेगा, कुछ यूनिक आइडियाज़ पर काम करना पड़ेगा। आप ये बार बार जो घिसे पिटी कहानियाँ, घिसे पिटे हीरो को लेके वही जो हैं सारे रोल करता रहे, हर जगह पर वही आदमी जो है आपको आके बताता रहे कि हीरो का मतलब क्या होता है, तो लोग अब ये सब देखने वाले नहीं है। बॉलीवुड जो है वो दम तोड़ रहा है अगर उन्होंने अपने अंदर कोई बदलाव नहीं किए, जो खासकर उनकी जो सवर्ण लॉबी है, सवर्ण डायरेक्टर, सवर्ण निर्माता, सवर्ण लेखक, सवर्ण हीरो, सवर्ण हीरोइन, ये जो पूरा का पूरा उनका गठजोड़ है, अब उनकी कमर टूट रही है क्योंकि बहुजन समाज भी जाग रहा है, पहचान रहा है कि कौन हमारे मसलों पर क्या राय रखता है, कौन हमारे खिलाफ एजेंडा परोसता है, कौन हमारे खिलाफ मनुवादी साजिश का हिस्सा है, तो लोग पहचान रहे हैं और अब उनको अपनी जेब में पैसा जो रखा है उसको ना खर्च करके जवाब दे रहे हैं, अपना पैसा बचा रहे हैं, अपने बच्चे की शिक्षा पे लगाइए, कोचिंग पे लगाइए, उनके इंटरनेट के रिचार्ज कराइए ताकि वो इंटरनेट से अच्छी जानकारी हासिल कर सके, उनको कहीं घुमाने ले जाइए, खिलाइए पिलाइए, मौज कीजिए, ऐसे फालतू चीज़ों के लिए अपना पैसा खर्च ना कीजिए। और मेरी अपील है, आने वाली फिल्मों पर भी नज़र रखिए, अगर वो फिल्में प्रोपेगेंडा का एक तरीका है, अगर वो हमारे खिलाफ साजिश है, कॉपी है कहीं कि उन्होंने बेमतलब पैसे कमाने के लिए ऐसा ही कुछ उसका सवर्णकरण, भारतीयकरण कर दिया है, तो उससे भी बचना है, ऐसी फिल्मों का बहिष्कार करना है। हम जाएंगे ही नहीं देखने, आप करते ही आपको क्या करना है, जब तक हमारे लोग फिल्में बनाएंगे हम उन्हीं की फिल्में देखेंगे, अच्छा कंटेंट देखेंगे, हमारे लोग अच्छा कंटेंट डिजर्व करते हैं, वो अच्छा कंटेंट के लिए अपना पैसा और समय देते हैं, वो डिजर्व करते हैं आपका रद्दी कबाड़ा कूड़ा, क्यों हम देखें, हम नहीं देखेंगे, ये बात हमको याद रखनी है। आपका इस मसले पर क्या सोच रहे हैं आप, बॉलीवुड की इस
दूरदशा को कैसे देखते हैं, क्या बॉलीवुड सुधरेगा, इस पर आपकी कोई राय है आप कमेंट में लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है, इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद करें मेरे सहयोगी मोहित रसरा। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ स्पीक।